चलिए देखते हैं आपके मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा और आप देख सकते हो जो भी ब्लू टिक वाले हैं वो आपके आंसर सही है और आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते जाइए। ओके, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे आपके 51 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 64 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, तो 52 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10x - 8y = 21। 53 की बात करें जो आपका त्रिभुज है इसमें आपको DE की वैल्यू फाइंड करनी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये हो गया 53। बात करें 54 की, तो 54 का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा जो एंगल है वो हो जाएगा आपके 90 डिग्री। ये आपसे आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ओके, तो 90 डिग्री हो गया इसका। 55 का आपका सही जवाब हो जाएगा 40%। कितना? 40%। 56 में जो लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है वो हो जाएगी आपके ऑप्शन बी करेक्ट है 4.306। नेक्स्ट है 57, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 58 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो आपको यहाँ पे समीकरण पूछा है वो आपका x बराबर 0 है वो करेक्ट रहेगा। 59 का आपके p की वैल्यू हो जाएगी 12। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के नीचे ऐसे आपको एक लाल आइकन का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में एक घंटा आएगा उसको भी दबा देना ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ सके। ओके, तो यहाँ पे ये सवाल है आपका 60, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा आपके ए बराबर 3/2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 का सही जवाब है 2x + 3 × 2x - 1। ओके, 62 का सही जवाब हो जाएगा घनमूल है ये हो जाएगा 13 और आपके वर्गमूल वाले का हो जाएगा 55, ऑप्शन डी करेक्ट है। 64 की बात करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है 56.25 हेक्टेयर। ओके, 64 हो गए। और 65 में आपका ये क्वेश्चन है, देख सकते हो ग्राफ का है, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके 300% करेक्ट है। और 66 का जो आपका क्वेश्चन है इसमें सही जवाब हो जाएगा 65° 27' 16". ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे 67 है, इसमें जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:3:1, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 68 में सही जवाब हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, तो इसमें 8 आपका सही जवाब है। 69 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है ₹500 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 70 का आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है 8000, तो ₹8000 आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए। 70 हो गए। 71 की बात करें हम, तो 71 में आपका सही जवाब हो जाएगा 20000, क्या हो जाएगा 20000 है वो निवेश है मोनू का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 72 का सही जवाब है 0 हो जाएगा, P2 = 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 39 और इस वाले क्वेश्चन की आपकी वैल्यू हो जाएगी 802 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 75 की, तो 75 में आपके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सही जवाब हो जाएगा 1 है, ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। 76 का सही जवाब हो जाएगा 2940 हो जाएगा। 77 हो जाएगा 20.71 आपका यहाँ पे मीटर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आप देख सकते हो हिंदी में ये रहा 20.71। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 78, तो 78 में आपका सही जवाब हो जाएगा 10 cm और 3 cm, ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 का हो जाएगा 700 यहाँ पे, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 784। ओके, 80 का हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो आपका निर्देशांक पूछा है वो 2 1 हो जाएगा x2 y1। 81 का सही जवाब हो जाएगा आपके 1540 हो जाएगा और क्वेश्चन आप देख लीजिए। 82 का सही जवाब है 14 cm। ओके, तो व्यास हो जाएगा आपके 14 cm। और 83 की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा 8:27, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 83 का। बात करें 84 की, तो आपका यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 160 cm² हो जाएगा। बात करें यहाँ पे आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्यिका से सही जवाब है 8.7 यहाँ पे करेक्ट है आपका। 86 का आपका 61 हो जाएगा। ओके, 87 की बात करें तो आपके 45°C आपके ऑप्शन देख सकते हो 45°C। ओके, 88 का जो आपको रेडियन में वैल्यू फाइंड करनी है वो हो जाएगी 5/18π हो जाएगी। 89 में आपका सही जवाब हो जाएगा 13 मीटर, 89 में 13 मीटर हो जाएगा। 90 में सही जवाब आप देख सकते हो यहाँ पे 24.5 cm, 90 वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है ये तो। और आपका यहाँ पे 91 वाला है,
ये हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट हो रहे हैं और आपकी अटेम्प्ट क्या है पूरे पेपर की, वो भी आप कमेंट जरूर करना। ओके 92, और 92 का आपका सही जवाब हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ओके 93 में आपका सही जवाब हो जाएगा 15%, क्या हो जाएगा 15%। और 94 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, और ये तो दोनों सिंपल क्वेश्चन थे बिल्कुल। और 95 का आपका सही जवाब हो जाएगा 48 हो जाएगा। 96 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे √2 इकाई हो जाएगा। 97 की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा तृतीय। ओके जो चतुर्थांश है वो आपका तृतीय हो जाएगा। 98 हो जाएगा 72 डिग्री। ओके और अगला बात करें आपके 99 की, तो 99 आपके 200 रुपये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, वो हो जाएगा आपके 3 वर्ष, यहाँ पे करेक्ट है। और मैंने जो भी आंसर की डाली है अभी मैंने साइंस की डाल दी है, और भी जैसे ही डाल दूंगा उन सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी आंसर की, कि मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। जो भी आंसर की बताऊंगा एकदम सटीक बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए, इससे जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।